हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। मैं भी बढ़िया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 5 और हम पढ़ रहे हैं मोशनल ईएमएफ। बढ़िया टॉपिक है मोशनल ईएमएफ, और ये मोशनल ईएमएफ का थर्ड वीडियो है। और आज आप सीखोगे मोशनल ईएमएफ इन रोटेटिंग रॉड। अभी तक मोशनल ईएमएफ सीधा सीधा चल रहा था, लीनियर मोशन हो रहा था रॉड का। आज रोटेटिंग रॉड में मोशनल ईएमएफ निकालेंगे। अब जो लोग यही नहीं जानते हैं मोशनल ईएमएफ क्या होता है, उनको हम इस वीडियो की स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत समझा देंगे, बता देंगे। और बहुत डिटेल में देखना हो तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 03 मोशनल ईएमएफ 1 ये लेक्चर आपको यूट्यूब पे देखना होगा। तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 03 मोशनल ईएमएफ, फिजिक्स वाला आपको मिल जाएगा। शुरू करें, आज मजा आने वाला है। रोटेटिंग रॉड के न्यूमेरिकल्स कॉन्सेप्ट्स एकदम नई चीज है, स्टार्ट करें। तो यस, माय नेम इज अलख पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल द चैनल फिजिक्स वाला। तो कॉपी और पेन निकाल दो, चूहा मार खाना बंद कर दे, स्टार्ट करें। चलो नोट्स बनाना स्टार्ट करें, और जो बच्चे चाहें वो हमारी वेबसाइट www.physicswalaalakhpandey.com पे जाके इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो आते हैं। तो हेडिंग लगाएं मोशनल ईएमएफ इन रोटेटिंग रॉड्स। कैसा ईएमएफ? इमोशनल ईएमएफ, इट्स अ वेरी इमोशनल काइंड ऑफ ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ इन रोटेटिंग रॉड्स। इसके पहले देख लेते हैं कि हमने मोशनल ईएमएफ कहां देखा है। हमने अभी तक लीनियर मोशन ऑफ रॉड में मोशनल ईएमएफ निकाला था। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कि व्हाइट बोर्ड में अंदर की तरफ जा रही ऐसे, और मान लो इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने कंडक्टिंग रॉड को रख दिया। इस कंडक्टिंग रॉड की लेंथ L है और ये v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में चलने लगा, सच दैट वेक्टर v एंड वेक्टर L आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में, वेलोसिटी वाई एक्सिस में, लेंथ एक्स एक्सिस में, ठीक है, लेंथ एक्स एक्सिस में, वेलोसिटी वाई एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में, सब क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यही केस इसका सबसे ज्यादा हमने सीखा और यही हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये रॉड एक रॉड नहीं रहेगा, ये रॉड एक बैटरी बन जाएगा। एक चलता फिरता रॉड मैग्नेटिक फील्ड में बैटरी बन जाता है, और बैटरी के पास होता है ईएमएफ। तो रॉड की जगह मैंने ड्रॉ कर ली एक बैटरी, और इस बैटरी का ईएमएफ है बी वी एल। कितना ईएमएफ है? बी वी एल। व्हाट इज ई? ई इज द ईएमएफ ऑफ द सेल, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। कितना है? बी वी एल। अब ये प्लस माइनस कैसे बनाया? तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल उधर होगा जिधर V क्रॉस B I, V से B की तरफ क्रॉस करो, V से B की तरफ क्रॉस। देखो थंब जिधर आया वही V क्रॉस B का डायरेक्शन, वही पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। V क्रॉस B कैसे करना है? राइट हैंड खोलो और फिंगर्स को V के अलोंग रखो और फिर B की तरफ ले जाओ। B की तरह अंदर, तो V से B ले जाओ, जिधर थंब पॉइंट करे वो है V क्रॉस B। V क्रॉस B पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कहां से मिलेगा? V क्रॉस B से। V क्रॉस B देखो इधर आया, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो ये हमने देखा कि कोई रॉड जब क्या कर रहा हो, लीनियर मोशन कर रहा हो मैग्नेटिक फील्ड में V वेलोसिटी से, सच दैट B V L आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो वो रॉड रॉड नहीं रहता, बैटरी बन जाता है। और उस बैटरी का ईएमएफ BVL होता है, और उस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल V से B की तरफ क्रॉस करने पे जिधर अंगूठा आए उस तरफ बनता है। क्लियर? अब हम लीनियर मोशन हटा के रॉड को घुमाना स्टार्ट करते हैं। मिटा रहे हैं ये सब, आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हो, मिटाए? ओके, तो अब हम इस रॉड को घुमाना स्टार्ट करते हैं। गुम्मी गुम्मी पे जाएगा ये रॉड, गुम्मी गुम्मी पे। तो यहां पे हम रोटेटिंग रॉड लेंगे, रोटेटिंग रॉड। सो वी विल टेक वन रोटेटिंग रॉड एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज वर्टिकली गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ द व्हाइट बोर्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड व्हाइट बोर्ड में अंदर जा रही है, और यहां मान लो हमने एक रॉड ले लिया ऐसे,
अब इस रॉड से पिटाई को छी सर कैसी बात कर रहे हैं, अनसब्सक्राइब कर दूंगा। नहीं बच्चों किसी की पिटाई नहीं कभी नहीं। इस रॉड की मान लो लेंथ एल है और इस रॉड को मैंने यहां पे ऐसे फिक्स किया और पकड़ के इसे घुमा दिया ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, पकड़ के मैंने इसको घुमा दिया ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मान लो बी है इन टू द प्लेन ऑफ वाइट। अब बताओ जब ये रॉड घूमेगा तो ये भी तो मोशन कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, और देखो ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काट रहा है, जैसे लीनियर मोशन वाला काट रहा था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, वैसे ये भी काट रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, है ना, जैसे आप अपने दोस्त को काटते हो। ठीक है, तो अब हमें पता लगाना है कि इस रॉड के एंड्स के अक्रॉस कितना ईएमएफ जनरेट हुआ। हमने कहा कैसे करें, एक काम करते हैं थोड़ा सा इसके अंदर लीनियर मोशन का कहानी देखते हैं। अगर हम इस एंड से एक्स डिस्टेंस पर आकर एक छोटा सा एलिमेंट काटें कितना dx के बराबर, और इस dx को ध्यान से देखें तो जब ये रॉड घूमेगा तो dx ऊपर जाए, यहां से इस टाइम पे dx ऊपर जाए ऐसे रोटेशन में प्रॉब्लम है सब आ जाएगा, बता देंगे छोटी मोटी चीज जो यूज होगी, टेंशन नहीं। जब ये रॉड घूमेगा तो dx ऊपर जाएगा, तो हमने कहा dx ऊपर गया विद वेलोसिटी v, देखो लीनियर वेलोसिटी आ, यहां हर पॉइंट की अपनी अपनी लीनियर वेलोसिटी होगी जो डिफरेंट होती है, और सबकी एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है, रोटेशन एंगुलर वेलोसिटी सबकी सेम, एंगल सब सेम घूम रहे हैं, देखो ये 30 डिग्री तो वो भी 30 डिग्री तो वो भी 30 डिग्री, पर वेलोसिटी जो लीनियर है वो सबकी अलग अलग है। कितनी होती है लीनियर वेलोसिटी, होती है आर ओमेगा, आर होता है रेडियस यानी सेंटर से डिस्टेंस, जिस पॉइंट पे रोटेट कर रहा है वहां से डिस्टेंस, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, कितने डिस्टेंस पे है एक्स डिस्टेंस पे, तो वेलोसिटी कितनी हो गई एक्स ओमेगा। अब अगर इस एलिमेंट को मैं जूम करके बनाऊं स्मॉल एलिमेंट डीएक्स को मैं जूम करके बनाऊं ऐसे, थोड़ा लंबा कर लिया थोड़ा जूम कर दिया, ये रहा डीएक्स एलिमेंट, तो ध्यान से देखो ये डीएक्स एलिमेंट है क्या, एक कंडक्टिंग रॉड है जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है जिसके पास एक लीनियर वेलोसिटी है। अब ये केस तो अपन को पता है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी लेंथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर, वेलोसिटी वाई में लेंथ एक्स में मैग्नेटिक फील्ड जेड में, इसका ईएमएफ तो हम निकाल लेंगे बीवीएल। अब इसके ईएमएफ को हम ई नहीं बोलेंगे, एलिमेंट है छोटा सा ईएमएफ है तो इसको हम डी बोल देंगे, सो स्मॉल ईएमएफ ऑफ एलिमेंट इसको हमने बोल दिया डीई, सो डीई इज इक्वल टू बी वी एल बोल सकते हैं, चलो वैल्यू रखते हैं, बी कितना है बीई है, ठीक है बी की वैल्यू तो बी है, वी कितना है, वी कितना है इसका एक्स ओमेगा, वी इज एक्स ओमेगा, और लेंथ कितनी है रॉड की dx है, तो ये ईएमएफ जनरेट हो रहा इस छोटे से पोर्शन में, पूरे रॉड में कितना ईएमएफ होगा कैसे निकालें पूरे रॉड का इंटीग्रेट करके करेंगे, अरे भाई सबको पता है छोटे से एलिमेंट का मिल गया, इस एलिमेंट का निकाल लो ईएमएफ, इस एलिमेंट का, इस एलिमेंट का, इस एलिमेंट का, इस एलिमेंट का, और सबको जोड़ दो, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस, यहां का पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस, सारा पोटेंशियल डिफरेंस जोड़ दो, तो रॉड्स के एंड के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस या EMF मिल जाएगा, तो इंटीग्रेट। अब बात आती है इंटीग्रेट कहां से कहां करें, x को कहां से कहां वेरी करें, x ही तो वेरिएबल है, तो x को सबसे पहले 0 ले लो यहां पे एक एलिमेंट, फिर x को बढ़ाते 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 l ले लो यहां पे आखिरी एलिमेंट, रॉड पूरा कवर हो गया, समझ लो रॉड में कितना है छोटा छोटा dx, छोटा 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 dx काट काट के सबका d d d d लेके जोड़ना है, सबका d d d लेके जोड़ना है, तो x को 0 से लेके l वेरी करेंगे। अब ध्यान से देखो इस इंटीग्रेशन में b मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, ऐसा हमने मान लिया, तो b भी बाहर ओमेगा भी बाहर अंदर फंसा x dx 0 से लेके l, de का इंटीग्रेशन करोगे तो e मिलेगा, de जोड़ा टोटल emf e इज इक्वल्स टू b ओमेगा x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x स्क्वायर / 2, तो पहले रखोगे l square by 2 minus 0 square by 2, so you will get b omega l square by 2, this is the net EMF in rotating rod, मिल गया formula,
मिल गया फॉर्मूला रोटेटिंग रॉड का, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय टू। बट ये ईएमएफ किसके अक्रॉस है? अक्रॉस द एंड्स ऑफ रॉड, अक्रॉस एंड्स ऑफ रॉड। तो इसको जरा और अच्छी तरह से समझते हैं। अच्छा ये बताओ कौन हायर पोटेंशियल पे होगा, कौन लोअर, कौन सा एंड हायर कौन सा लोअर? इसको हम सेंटर को बोल देते हैं ओ और इस पॉइंट को बोल देते हैं ए। अब बताओ कौन सा हायर कौन सा लोअर? वी क्रॉस बी से पता चलता है, इस पॉइंट की तो वेलोसिटी पता है, बाकी की देखो सबकी वेलोसिटी होगी ऊपर ही, इस समय अलग अलग होगी, इसकी वेलोसिटी कम होगी, इसकी इससे ज्यादा, 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 ऐसे करके वेलोसिटी बढ़ती जाती है एंड पे आते आते। v इज इक्वल टू r ओमेगा है ना, तो आगे आगे आते r बढ़ता है तो वेलोसिटी सबकी अलग अलग है, यानी सभी की वेलोसिटी ऊपर है। तो v क्रॉस b, b अंदर है, v क्रॉस b थंब इधर, यानी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यानी ये हायर पे ये लोअर पे। तो इस रॉड्स के एंड के अक्रॉस यही पोटेंशियल डिफरेंस भी है, कितना वी ओ माइनस वी ए इज इक्वल्स टू बी ओमेगा एल स्क्वायर। फिर भी मेरी आपको ये एडवाइस रहेगी कि आप ये वाला एक्सप्रेशन थोड़ा समझ के चलना। अब जो हलवा चीज है वो तो यही सीधा यही क्वेश्चन मिल गया एग्जाम में। अब इसका एप्लीकेशन भाई, इसके ऊपर और कॉन्सेप्ट, इसके ऊपर और न्यूमेरिकल्स, पहले इतना नोट करें फिर प्रैक्टिस करते हैं हम। चांद छिपा बादल में शर्मा की मेरी जान, नोट कर लिया मिटा रहे, फिर से एक बार समझा दें। ये रॉड लिया, लेंथ एल का, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा, जितने लोग आगे आगे बढ़ जाओ वीडियो को आगे बढ़ा लो, कई लोग तो 2 की स्पीड में देख रहे होंगे। तो लेंथ एल का ओमेगा से घुमा दिया, फिर हमने कहा इसमें हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ या मोशनल ईएमएफ चाहिए, हमने कहा हमें लीनियर वाली कहानी पता है, हमने कहा एक्जिस्टेंस पे आके एक डीएक्स एलिमेंट काट लो, उस डीएक्स को देखो वो इस टाइम जब रॉड ऐसे घूम रहा है तो वी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, सर्कुलर मोशन से पता था, आर की वैल्यू एक्स हो गई, एक्स ओमेगा। फिर इस एलिमेंट को हमने जूम कर लिया, देखा कि ये एलिमेंट तो एक लीनियर मोशन कर रहा है एक तरह से v वेलोसिटी से, तो हमने कहा लीनियर मोशन का ईएमएफ होता है bvl, हमने इसको भी छोटा सा ईएमएफ बोल दिया d स्मॉल एलिमेंट के लिए, d को लिखा bvl और b की वैल्यू b है, v की वैल्यू x ओमेगा, l की जगह dx रखा, ये छोटा सा ईएमएफ था, इसमें पूरे रॉड का ईएमएफ चाहिए तो इंटीग्रेट कर दो, x की वैल्यू 0 से x की वैल्यू l तक, b बाहर ओमेगा बाहर, x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर / 2 तो l स्क्वायर / 2 ये ईएमएफ आया। फिर मैंने कहा किधर पॉजिटिव किधर नेगेटिव, सबकी वेलोसिटी ऊपर ही है तो v क्रॉस b इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, v o माइनस v a इस b m b ओमेगा l स्क्वायर बाय 2। बट ये एक्सप्रेशन याद रखना, चले न्यूमेरिकल किया जाए। ओके तो फॉर्मूला ऑल्दो मैंने बना लिया v ओमेगा l स्क्वायर बाय 2, बट दिस फॉर्मूला इज नॉट ऑलवेज वैलिड। सी आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन, ट्राई टू मेक दैट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, सवाल पहला, मान लो यहां पे एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस 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 बी, और यहां पे एक रॉड है क्रॉस 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 क्रॉस, यहां पे एक रॉड है, यहां से इसको फिक्स किया, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमा दिया, यहां पे हमने बोला ए, इस रॉड की लेंथ है L, इस रॉड पे हमने एक मिड पॉइंट लिया B, such that this is L by 2, this is also L by 2. क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है find VB minus VA, देखो बढ़िया सवाल आ गया, find VB minus VA, इसको O बोल दें, try करो find VB minus VA, ट्राई करो एक बार, ट्राई करो एक बार, ट्राई करो, देखो गिव अप नहीं किया करो तुरंत, एक बार कोशिश जरूर किया करो। हाँ भाई ट्राई किया, चलिए आए देखें, एक काम करते हैं पहले हम ए और ओ को लिख लेते हैं, जब पूरे रॉड को आप ले लोगे तो बी
अच्छा एक बताओ कैसे घूम रहा है, ऐसे ही घूम रहा है यानी इसकी भी पॉइंट्स की वेलोसिटी अभी भी इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर सबकी वेलोसिटी अभी इस टाइम ऊपर की तरफ, तो v क्रॉस b इधर ही जा रहा है यानी O का पोटेंशियल ज्यादा होगा v क्रॉस b, O पॉजिटिव होगा और इधर वाले नेगेटिव। तो पहले तो एक बात ये समझो कि इधर पॉजिटिव है, v क्रॉस b जिधर आया उधर पॉजिटिव। तो पहले तो एक बात ये समझ लो कि vo इज ग्रेटर देन vb इज ग्रेटर देन va होगा, यानी vb माइनस va का पॉजिटिव आंसर ही मार्क करना, ऑप्शन में नेगेटिव भी होगा। नहीं समझे कैसे पता चल रहा है कि किस तरफ हायर है, v क्रॉस देखो ओमेगा जैसे घूम रहा है रर, तो ये सारे ऊपर जा रहे हैं इस टाइम रर, रर, तो v क्रॉस b इधर, तो इस तरफ वाले हायर पोटेंशियल इधर वाले लोअर, तो इसका जो भी आंसर होगा पहली बात तो पॉजिटिव होगा। अब आगे चलते हैं, पहले हम ये निकालते हैं ए पॉइंट पकड़ लेते हैं, पहले ए पॉइंट पकड़ लो, हम निकालने जा रहे हैं वी ए, नहीं ये निकलेगा ना VO माइनस VA, ये तो अभी अभी आपने निकाला था, कितना आएगा B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1, ये तो अभी आपने निकाला था ना EMF इन होल रॉड कितना है B ओमेगा स्क्वायर बाय 2, और किधर पॉजिटिव आ रहा है इधर ही आ रहा है, तो VO माइनस VA, देखो B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2 पूरे रॉड का हमेशा सही होगा, ये देख लेना किधर प्लस किधर माइनस। अब इसी रॉड को एंटी क्लॉकवाइज जगह क्लॉकवाइज घुमा देता, ऐसे घुमा देता वेलोसिटी नीचे, तो v क्रॉस b इधर, तब a हायर पोटेंशियल पे होता, तो पूरे रॉड के क्रॉस ईएमएफ तो यही होगा bm b ओमेगा l स्क्वायर बाय 2, पॉजिटिव नेगेटिव चेक कर लेना, देखो v क्रॉस b इधर, अब इधर घुमा देते इसको, सोचो ऐसे घुमा दे तो v नीचे b ऐसे पॉजिटिव, खैर अब b को देखो ध्यान से, अब b को देखो ध्यान से, अगर हम vo माइनस vb निकालना चाहें तो b को आप एंड मान लो, वो एंड यहां से कितने डिस्टेंस पे है L बाई 2 पे, तो हम लिख सकते हैं B ओमेगा L बाई 2 का स्क्वायर बाय 2, क्या बल्ले पड़ी बात है, देखो B को एंड मान ले, अगर B को एंड मान ले तो ये डिस्टेंस कितना हो गया L बाई 2, तो B ओमेगा L बाई 2 का स्क्वायर बाय 2 नहीं आया, अच्छा वो EMF का इंटीग्रेशन वाले हमने इसीलिए कहा था याद रखना, जरा ईएमएफ को याद करो, इंटीग्रेट जब हमने किया था बी ओमेगा एक्स डीएक्स, ये इंटीग्रेट कर रहे थे, हमें पूरे रॉड के अक्रॉस ईएमएफ चाहिए था, तो हमने इंटीग्रेशन यहां से लेके यहां तक किया था, अभी पूरे रॉड के अक्रॉस नहीं चाहिए हमें, ये चाहिए वीओ माइनस वीबी की वैल्यू, वीओ बड़ा है वीबी छोटा है, तो वीओ माइनस वीबी की वैल्यू चाहिए हमें, इसके अक्रॉस ईएमएफ चाहिए पूरे रॉड के अक्रॉस, ये एक्सप्रेशन था, इसी को इंटीग्रेट किया था पूरे रॉड के लिए, एक्स को जीरो से क्या रखा था एल रखा था, पर अभी हमें यहां से यहां तक जाना है, तो x को 0 से l by 2 रख के इंटीग्रेट कर दो, यही आएगा, चेक करो b ओमेगा बाहर आ गया, x dx का इंटीग्रेशन x square by 2, x dx का इंटीग्रेशन x square by 2, 0 से l by 2, x की जगह l by 2 पुट करोगे तो b ओमेगा l by 2 का स्क्वायर पॉइंट, बोले ये है समझ में आया, इसलिए मैं कहता हूं इसका b ओमेगा x dx को याद रखो, अब की बार हमें पूरे रॉड के लिए नहीं चाहिए यहां से यहां तक चाहिए, तो हमने लिमिट 0 से l/2 लगा दी, चाहते तो इसको एंड मान लेते तो सोचते ये लेंथ हो गई तो l/2 का स्क्वायर, चलो ऐसे चलो क्लियर है, मिटा रहे हैं चीज अभी, नोट कर लो, नोट करना है तो b ओमेगा x dx यहां से यहां के लिए हमने 0 से l इंटीग्रेट किया, यहां से यहां के लिए 0 से l/2 मिटा रहे, ओके अब ये कितना हो जाएगा vo माइनस vb, vo माइनस vb b ओमेगा l स्क्वायर बाय 4 आएगा और 4 2 जा 8 ये, और आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए vb माइनस va, vb माइनस va, ये माइनस में आना चाहिए ये प्लस में आना चाहिए, तो क्या किया जाए, क्या किया जाए, फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करोगे vo से vo कैंसिल हो जाएगा, va माइनस में रहेगा, इसको माइनस करोगे ये प्लस हो जाएगा, तो मिल गया vb माइनस va, बोलो सही, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये प्लस बन जाएगा और ये तो माइनस नहीं रहेगा, vb माइनस va, इसमें से इसको माइनस करना है b ओमेगा l स्क्वायर बाय 2 माइनस b ओमेगा l स्क्वायर बाय 8, एलसीएम हो जाएगा 8, यहां 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4b ओमेगा l स्क्वायर माइनस b ओमेगा l स्क्वायर यानी 3 आ जाएगा b ओमेगा l स्क्वायर vb माइनस va, जितने लोग का ये आया था बधाई, 3 by 8 b ओमेगा x स्क्वायर, देखो यहां 8 लाने के लिए 2 into 4 ये 4 4 minus 1 3 3 b ओमेगा स्क्वायर बाय 8, so vb minus va is 3 by 8
बी ओमेगा एल स्क्वायर। देयर इज अ शॉर्टकट टू डू दिस, बट ये तरीका ज्यादा अच्छा है कि आपको यहां के अबाउट हमेशा पता है बीओ माइनस वी ए बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, बीओ माइनस वी बी बी ओमेगा एल बाई टू का स्क्वायर बाई टू, फिर उसके बाद इन दो इक्वेशन से जो चाहिए वो निकाल लो। वी ए माइनस वी बी पूछता तो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। नोट कर लें, पॉज करके नोट कर लें। 1 2 3 4 अब दूसरा मेथड देखते हैं, मिटा रहे हैं? ओके, अब इसका दूसरा मेथड देखो, अब इसका दूसरा मेथड देखो। जो आपने ईएमएफ के लिए एक्सप्रेशन लिखा था वो क्या था, बी ओमेगा एक्स डीएक्स। आपको किस किस पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, बी और ए, तो इंटीग्रेशन बी से ए तक कर दो। अरे भाई ये डी का इंटीग्रेशन क्या होता है, डी क्या था, छोटे से एलिमेंट के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपको किसके अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, इस एलिमेंट के अबाउट, बी से ए तक। तो इंटीग्रेशन कहां से कहां कर दो, पहले लेंथ ले लो एल बाई टू, ये हो गया बी, और फिर ले लो लेंथ ए। बाकी प्लस माइनस तो समझ ही जाओगे कि नेगेटिव है कि प्लस है कि पॉजिटिव, नहीं समझे, आपको इसी के अबाउट तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो कहा है ये निकाल लो, ये निकाल लो, सीधा यहीं पे आ जाओ। ये डी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इन स्मॉल एलिमेंट, तुमको इतने एलिमेंट में चाहिए, तो इंटीग्रेशन एल बाई टू से एल का कर दो, आ जाएगा सीधा आंसर। तो बी ओमेगा बाहर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू एल बाई टू से लेके एल तक का, सो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू माइनस एल बाई टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर बाई फोर, फोर टू जा एट, बोला आ गया वही आंसर है, नहीं आया। पहले एक्स की जगह एल रखा एल स्क्वायर बाई टू, फिर एक्स जगह एल बाई टू का स्क्वायर, एल स्क्वायर बाई फोर, फोर टू जा एट। यहां से देखो सेम एक्सप्रेशन आ रहा है, बी ओमेगा ये चार से मल्टीप्लाई करोगे, चार माइनस वन थ्री बाई एट स्क्वायर। अब प्लस होगा कि माइनस होगा वो आप वी क्रॉस बी से देख लो, वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी यानी बी बड़ा है ये छोटा है, v cross b देखो इधर आ रहा है, ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव तो आ गई और ये भी क्लियर है, मिटा रहे हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू। मान लो हमें ये रॉड दिया, ये इसका सेंटर, लेंथ l, लेंथ l, इस रॉड को सेंटर के अबाउट ऐसे हमने घुमा दिया ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, यहां एक पॉइंट ए, यहां एक पॉइंट बी, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट्स, रॉड की लेंथ इस बार 2l हो गई, हमसे पूछा है फाइंड VA माइनस VB, फाइंड VA माइनस VB, बताओ VA माइनस VB, VA माइनस एक एक कर किया जाए। आओ ये वाला पार्ट देखो, पहले ओ बी ऐसे घूम रहा है ओमेगा से, लेंथ कितनी है एल, यानी ये वाला सारा पोर्शन किधर आ रहा है, नीचे आ रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ है, ठीक है। सो वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी किधर जा रहा है, बी की तरफ, यानी ये हायर होगा ये लोअर। देखो अभी तक हम सब ऐसे घुमा रहे थे क्लॉकवाइज, इस बार कैसे घुमा, सॉरी हम हर बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे थे, अभी कैसे घुमा क्लॉकवाइज, तो उल्टा हो गया, हर बार O का पोटेंशियल ज्यादा आ रहा था, इस बार B का, तो देखना पड़ेगा। जब ये इधर घूमा तो सारे पॉइंट्स नीचे की तरफ आ रहे होंगे, तो V नीचे और B अंदर, V क्रॉस B इधर, यानी इसका पोटेंशियल ज्यादा इसका कम, तो आप लिख सकते हो VB माइनस VO कितना हो जाएगा, B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2, बोले सही। इस पार्ट को देखो, A O ऐसे घूम रहा ओमेगा वेलोसिटी से, ये पार्ट ये और ये हो v cross b इधर, vb minus vo, b है ओमेगा l square by 2, तो सीख चुके हो। अब ये सेंटर हो और ये a, ये ऐसे घूम रहा लेंथ l, ये पार्ट्स किधर जा रहे होंगे, ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ, v cross b, v cross b यानी a हायर पे o लोअर पे, तो यहां भी आप लिखोगे va minus vo is equals to b ओमेगा l square by 2, इसमें से ये माइनस कर दो या इसमें से ये माइनस कर दो, ये चाहिए ना VA माइनस VB, तो फर्स्ट और ये सेकंड, तो सेकंड माइनस फर्स्ट कर दो, सेकंड माइनस फर्स्ट, आंसर इज जीरो भाई, इसमें से ये माइनस हो गया जीरो, ये सीधा सीधा माइनस हो गया, VA माइनस VB इज जीरो, बोलो आ रहा है, इसमें से ये माइनस हुआ, इसमें से ये माइनस हुआ, इसमें से ये माइनस हुआ, VA माइनस VB कम्स आउट टू बी जीरो, इसका मतलब VA इज इक्वल्स टू VB,
तो अगर आप कोई रॉड लेके सेंटर के अबाउट रोटेट करोगे तो उसके एंड्स का पोटेंशियल सेम होगा या एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। जैसे कि समझो दो बैटरी बनेगी, एक बैटरी इधर बनेगी, ध्यान से देखो, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, एक बैटरी इधर बनेगी इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा? जीरो। माइनस माइनस से जुड़ा है, प्लस प्लस से जुड़ा है, नेट ईएमएफ इज एक बैटरी ऐसे। क्लियर है? इस एग्जांपल से आपको एक नई चीज समझाते हैं, ध्यान से देखना, एक बढ़िया चीज आपको समझाएंगे एग्जांपल के थ्रू। क्या समझाने जा रहे हैं? मान लो हमारे पास यहां पे एक रॉड है, ये इसका सेंटर, इसके अबाउट मान लो हमने इसे घुमा दिया से ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी, तो क्या हम बोल सकते हैं ये सेंटर है? मान लिया हमने सेंटर है, तो क्या हम ये बात श्योर है कि वी ए इज इक्वल्स टू वी बी होता है? अगर कोई रॉड अपने सेंटर के अबाउट घुमा दिया जाए तो यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल बराबर होता है, बाई बी ए माइनस वी ओ हो जाएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, वी बी माइनस वी ओ हो जाएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, फिर देख लो मतलब माइनस में देख लो। अच्छा मान लो इसी तरह हम एक रॉड ऐसे रख दे तो सेम लेंथ का, सारी कहानी सेम, और उस रॉड को भी ओमेगा से घुमाएं, ये पॉइंट बी बोल दें ये पॉइंट क्यू बोल दें, तो क्या वी पी वी क्यू के बराबर होगा? बिल्कुल होगा, वी पी इज इक्वल्स टू वी क्यू। अब ये बताओ क्या बी ए बी बी इसके बराबर भी होंगे? सोच के बोलो, देखो इसके लिए क्या लिखोगे, बी पी माइनस वी ओ, सबकी लेंथ वगैरह सेम है, एल एल एल, वी पी माइनस वी ओ बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, वी क्यू माइनस वी ओ बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, वी बी माइनस वी ओ बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, तो मेरे ख्याल से तो सब सेम आ रहे हैं भाई। ध्यान से देखो, वी क्यू माइनस वी ओ इज इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, बी से देखो वी बी माइनस वी ओ इज इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, ध्यान से देखो इसमें सेम माइनस हुआ, इसमें सेम माइनस हुआ, वी बी माइनस वी क्यू इज जीरो। अरे भाई सेम ही क्वांटिटी थी भाई, तभी तो सेम आंसर आ रहा। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी वैल्यूज एक दूसरे के बराबर है, यानी अगर हम यहाँ पे एक रॉड ऐसे रख लें सेम लेंथ वगैरह का, वो भी इसी डायरेक्शन में घूम रहा हो, इसको हम बोल दें मान लो लेट दिस बी सी लेट दिस बी डी, देन दिस ऑल विल बी इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू बी डी। मान लो एक रॉड हम ऐसे रख दें, इसको हम बोल दें मान लो R, इसको हम बोल दें S, then it will be equal to VR is equals to VS। भाई VR क्या होगा? VR minus VO is equals to B omega L square by 2, VD minus VO B omega L square by 2, VA minus VO B omega L square by 2, सब एक ही चीज तो है। हाँ, सबका लेंथ बराबर होना चाहिए, सबका ये लेंथ बराबर। अगर इसी तरह से हम रॉड रखते जाएं रखते जाएं रखते जाएं और सबको एक ही एंगुलर वेलोसिटी से घुमाएं, रॉड रखते जाएं रखते जाएं रखते जाएं एक ही एंगुलर वेलोसिटी से घुमाएं, तो ये कंबाइन होके क्या एक डिस्क बन जाएगा? इमेजिन करो, रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ रॉड्स को, सब रॉड को जब जोड़ोगे तो ऐसे एक डिस्क दिखेगी, ये एक डिस्क बन जाएगी। इस डिस्क की खास बात ये होगी कि यहां मान लो ए पॉइंट है, यहां मान लो बी पॉइंट है और बताओ, यहां मान लो क्यू पॉइंट है और बताओ, यहां मान लो एस पॉइंट है और बताओ, यहां मान लो सी पॉइंट है, यहां मान लो बी पॉइंट है, यहां मान लो पी पॉइंट है, यहां मान लो आर पॉइंट है, वगैरह वगैरह। तो इस सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है, यानी सर्कमफेरेंस पे रखा हर पॉइंट इस डिस्क का हैव सेम पोटेंशियल इफ दिस इज अ डिस्क रोटेटिंग एट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड देयर इज सम मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज गोइंग लाइक दिस। बोलो, बोल सकते हैं? बात समझ में आई है भाई? सबको कंबाइन करोगे डिस्क बन जाएगा ना, ये 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 बराबर, ये रेडियस के बराबर हो जाएगा डिस्क के, है ना? डिस्क का रेडियस, डिस्क का रेडियस, डिस्क का रेडियस, डिस्क का रेडियस, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू हो गया। अरे एल की जगह आ रख दिया, है ना? तो यानी यहां सारे पॉइंट्स ऑन सर्कमफेरेंस हैव सेम पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल है, बट अगर सेंटर से किसी भी पॉइंट का, सेंटर से किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए हो, वी ओ माइनस वी डी या वी डी माइनस वी ओ आएगा, ऐसे घूम रहे ना, वी डी माइनस वी ओ, वी डी माइनस वी ओ कितना हो जाएगा? बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय टू इफ रेडियस इज बोला है। तो हो सकता हो आपको सीधा क्वेश्चन ऐसा दे दे कि हमारे पास एक डिस्क है, हमारे पास एक डिस्क है, इस द टाइप ऑफ डिस्क वाला डिस्क नहीं, सिंपल डिस्क है, वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और हमसे बोल दे कि किसी पॉइंट के जो सर्कमफेरेंस पे है और सेंटर के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा, रेडियस हमको दे दे आर, तो बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2। और मान लो दो पॉइंट सर्कमफेरेंस पे ही दे दे और बोले उनके बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस, जीरो, चाहे वो डायमेट्रिक एंड हो चाहे वो डायमेट्रिक एंड ना हो, सबका बराबर। वीपी देखो वीसी के भी बराबर है, वीपी वीबी के भी बराबर, कोई भी दो पॉइंट्स अगर सर्कमफेरेंस पे है तो उनका पोटेंशियल सेम होगा।
चाहे डायमेट्रिक एंड कोण, इसमें कंफ्यूज करता है। अब ये पूछ लेता बच्चा सोचता है कि कुछ और होगा, सबका सेम। क्लियर है डिस्क वाली लॉजिक, इसको याद रखेंगे। तो डिस्क का सवाल आएगा तो आप इसी तरह से कर देंगे। बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेंटर एंड वॉट सर्कम, सेंटर एंड सर्कमफेरेंस। जब भी बोले तो यहां से एक रॉड जोड़ लेना, सोचना है ये रॉड वी वेलोसिटी से जा रहा। अब वी क्रॉस बी देख लो, वी जब ये ऐसे आएगा तो ये रॉड ऐसे, वी क्रॉस बी देखो डी की तरफ, तो ये पॉजिटिव, ये क्लियर है। नोट कर लें इसको, पॉज करके नोट कर लें। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नोट कर लिया, ओके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखें, मान लीजिए कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड। अभी तक हम जितने भी रॉड ले रहे थे सब स्ट्रेट रॉड थे, मान लीजिए रॉड स्ट्रेट ना हो, कुछ ऐसा कोई रॉड है सांप जैसा, ऐसा कोई रॉड है और इसको हमने घुमा दिया ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से बी मैग्नेटिक फील्ड में, कोई सांप जैसा रॉड, सांप जैसा रॉड, इसको हमने घुमा दिया ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में, तो अब क्या करें? अब लेंथ में कौन सी लेंथ लेनी है? ये तो पता है आपको, अगर ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है, तो अगर ये स्ट्रेट रॉड होता तो आप बड़े आसानी से लिखते, इस तरफ घूम रहा है तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ, वी क्रॉस बी इधर आया, तो आप बड़े आसानी से लिखते वी ओ माइनस बी ए इज इक्वल टू बी ओमेगा और ये डिस्टेंस ले लेते अगर स्ट्रेट होता। स्ट्रेट नहीं है तो क्या करें? तो ध्यान दीजिए E is equals to B omega L square by 2 में L is the displacement length, very very important, note करें L is the ये कई बार बात हो चुकी है displacement length की, motional EMF में भी हो चुकी है, force on current carrying conductor में भी की थी, IBL में। L is the displacement length मतलब आपको ये length नहीं रखनी है, आपको ये length नहीं रखनी है, आपको ये length लेनी है, vector length, displacement length। तो अभी भी क्या होगा? B omega L square by 2, it will remain same. Just take the vector length or displacement. Note कर लें, L is displacement length. छाप लिया. बहुत बढ़िया, आगे बढ़े. Okay. यानी L इसमें कौन सी length है? Vector length है. अब देखो इससे क्या फायदा होगा, एक क्वेश्चन लेके आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3 ये हो गया मेरे ख्याल से, क्वेश्चन नंबर 2, 3 थर्ड क्वेश्चन, ध्यान से देखें। बंगारे मैग्नेटिक फील्ड ये रही, तुझे कज पाया आहा तो जीना आया आहा, अब ये लम्हा ठहर जाए थम जाए बस जाए हम दोनों के दरमिया, ओ तुझको जो इसको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमा दिया, मैग्नेटिक फील्ड बी है, दो रॉड है म्यूचुअली परपेंडिकुलर जुड़े हुए हैं, सेम रॉड है, दो नहीं है सेम है, आई एम सो सॉरी, इज अ सिंगल रॉड, दो नहीं मानेंगे इसको, सिंगल रॉड है, एल शेप रॉड, एल फॉर लव, एल शेप रॉड, एल शेप रॉड, हमसे पूछा है क्वेश्चन, फाइंड वी ए माइनस वी बी, फाइंड वी ए माइनस, अच्छा एक काम करो इसको तुम पार्ट्स में करो, फाइंड वी ए माइनस वी ओ, इधर आएगा, फाइंड वी ओ माइनस वी ए सेकेंड पार्ट, वी ओ माइनस वी बी थर्ड पार्ट, VA minus VB, अब से VA minus, चलो ट्राई करो, किया जाए, स्टार्ट करें। पहला रॉड बड़ा आसान है, VO minus VA, इस रॉड को देखो सिर्फ, इस वाले रॉड को, ये रॉड किधर जा रहा? ऊपर की तरफ, जब ये घूमेगा ऊपर तो V cross B अंदर, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, लेंथ कितनी है 4, तो VO VO minus VA B omega L की जगह 4 square by 2, बोलो सही है,
अरे भाई जब ये घूमेगा तो ये वाला रॉड किधर जाएगा, ऊपर, तो v क्रॉस b इधर, तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव, लेंथ कितनी हो गई 4, b ओमेगा 4 स्क्वायर बाय 2, 4 स्क्वायर 16 बटे 2, ये आ गया 8, तो vo माइनस va इज इक्वल्स टू 8 b ओमेगा, पॉजिटिव ही होगा v क्रॉस b, इधर दिख रहा है जब ये ऊपर जाएगा तो v ऐसे v क्रॉस b। नेक्स्ट पार्ट है vo माइनस vb, अब vo माइनस vb कैसे निकालें, तो VO से B के लिए 4, 3, 7 लेंथ लेनी है, बताओ, सेकंड, VO माइनस VB के लिए B ओमेगा L स्क्वायर में क्या रखें, 4 रखें कि 4, 3, 7 रखें, दोनों नहीं, क्या लेनी है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ, तो O से B की डिस्प्लेसमेंट लेंथ ये होगी, कितनी हो जाएगी ये, 5 मीटर हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट लेंथ रखना होता है, जैसे पिछली बार ऐसे ऐसे बनाया था, तो यह लेंथ नहीं, डिस्प्लेस, तो ये डिस्प्लेसमेंट लेंथ हुई, तो b ओमेगा 5 स्क्वायर बाय 2, 5 स्क्वायर हो गया 25, तो vo माइनस vb इज 25 बटे 2 b ओमेगा, 25 बटे 2 b ओमेगा, नाउ इट्स वेरी इजी, va माइनस vb, va माइनस vb यू कैन फाइंड, क्या किया जाए, क्या किया जाए, इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर, इसमें से इसको माइनस करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, vb माइनस रह जाएगा और va प्लस हो जाएगा, इसमें से इसको सेकंड माइनस फर्स्ट, इसमें से इसको माइनस किया ये कैंसिल हो गया, vb माइनस में रहेगा, माइनस va करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो va माइनस vb इज इक्वल्स टू, इसमें से ये माइनस करो तो 25 बटे 2 b ओमेगा माइनस 8 b ओमेगा, LCM हो जाएगा इसका 2, 2 उधर जाके 2, 8 जा 16, 25 minus 16 is 9, 9 बटे 2, तो VA minus VB is equals to 9 बटे 2 B, बोलो सही बोल रहे हैं, 2, 8 जा 16, 25 minus 16 is 5, 4, 9, 9 by 2 B, कैसा आएगा, positive, ये तो यहीं से दिख रहा है positive, बोलो आया, तो B point का निकालने के लिए हमें vector length का इस्तेमाल करना पड़ा, length में 4, 3, 7 मत नोट कर लें। चलते हैं इसके बाद एक आखिरी कॉन्सेप्ट की तरफ आज के लेक्चर के, लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ टुडेज लेक्चर लिया जाए, आसान था, समझ में आ गया, मिटा दें, 1, 2, 3, 4, 5 मिटा रहे, ओके, लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ टुडेज लेक्चर इज, आइए क्वेश्चन के फॉर्म में समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, मान लीजिए हमें वही रोटेटिंग रॉड दिया, ये वही रोटेटिंग रॉड है और इसको हमने एक कंडक्टिंग लूप में बंद कर दिया, इस तरह क्वेश्चन आपको दिखेंगे किताब में, हमने एक कंडक्टिंग लूप लिया, ये कंडक्टिंग लूप है, दिस इज कंडक्टिंग लूप, ये फ्रिक्शनलेस लूप है और इस लूप का रेजिस्टेंस जीरो है, ठीक, जैसे रेल वाले प्रॉब्लम कर रहे थे वैसे, और हमने क्या किया, इसके सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस पे जाके एक रॉड चिपका दिया ऐसे, इसके सेंटर से सर्कमफेरेंस पे एक रॉड चिपका दिया ऐसे, इस लूप का रेडियस मान लो ए है तो रॉड की लेंथ भी ए हो जाएगी, और इस रॉड का रेजिस्टेंस मान लो R है, इस रॉड के पास कुछ रेजिस्टेंस है, दैट इज R, रेजिस्टेंस ऑफ रॉड इज गिवन टू अस एज R, फिर इस रॉड को हमने सेंटर के अबाउट घुमाना स्टार्ट किया विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, फिर हमने एक काम और किया, इस रॉड को पहले हमने तो घुमाया ऐसे करके ओमेगा से, फिर हमने एक काम और किया, यहां से एक वायर लगाया, ऐसे वायर को जोड़ दिया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर लगा के, हमसे सवाल पूछा है कि जब ये रॉड रोटेट करेगा, पहले तो मैग्नेटिक फील्ड देख लो इनवर्ड्स, अब हमसे सवाल पूछा है कि जब ये रॉड रोटेट करेगा तो ये रॉड बैटरी बन जाएगा जिससे ईएमएफ बनेगा, फिर इस सर्किट में करंट दौड़ेगा, तो हमसे पूछा है फाइंड द करंट इन सर्किट, या फाइंड द करंट इन रॉड, चल ट्राई करो,
बढ़िया सवाल, ट्राई करो, हो जाना चाहिए आपसे, आसान है। पॉज करके ट्राई जरूर किया करो, सवाल गिव अप मत किया करो। किया जाए, चलिए ये एक रॉड है जिसकी लेंथ ए है, तो इसके एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनेगा? इसके एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ये रॉड बैटरी बन जाएगा, किधर पॉजिटिव किधर नेगेटिव, ये ऊपर की तरफ भाग रहा है ना, ओमेगा से चला होगा ऊपर, तो वी क्रॉस देखो ऊपर भाग रहा होगा ना, सो वी क्रॉस बी इधर, यानी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल, बोलो सही। अरे यार जब ऐसे घुमाओगे तो वी क्रॉस बी इधर आ रहा है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अच्छा इस रॉड का कुछ रेजिस्टेंस भी है, पहले तो इसका ईएमएफ लिखो, ईएमएफ कितना होगा, बी ओमेगा ए स्क्वायर बाई टू, एल की जगह ये आ गया। इस रॉड के पास कुछ रेजिस्टेंस भी है आर, तो एक तरह से अगर रॉड बैटरी है तो रॉड का रेजिस्टेंस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे छोटा सा रेजिस्टेंस बना लो, स्मॉल है। अगर रॉड बैटरी है तो रॉड का रेजिस्टेंस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। फिर देखो सर्किट क्या है, वायर ऊपर गया और यहाँ से कुदा दिया, यानी इसको टच नहीं कर रहा, यहाँ से जंप करा दिया, तो ये वायर ऊपर गया, यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर लगा है। फिर क्या हुआ, इस वायर को लाके यहाँ चिपका दिया, अब देखो ये पॉइंट जाकर कहाँ जुड़ेगा, इस पे जुड़ेगा, यानी घुमा फिरा के पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट क्या होगा, ये प्लस ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं, दोनों में सेम करंट सीरीज में, तो ईएमएफ कितना हो गया, बी ओमेगा ए स्क्वायर बाय 2 और नेट रेजिस्टेंस आर प्लस आर, दिस इज द करंट इन द रॉड, क्लियर, दिस मच करंट इज फ्लोइंग इन द रॉड। क्लियर, चलिए एक आखिरी सवाल लेते हैं, बढ़िया सवाल, चैलेंजिंग सवाल है, इसी कॉन्सेप्ट का आगे अगला कॉन्सेप्ट दे, सवाल दें, तैयार हैं आप, इसी में दे रहे। अच्छा मान लो अब हमसे वो कहता है, इसी क्वेश्चन में हमसे कहता है फाइंड द करंट इन रॉड, हो गया okay. अब हमसे कहता है इफ अ फोर्स एफ इज अप्लाइड एट मिड पॉइंट ऑफ रॉड सो दैट इट रोटेट्स विथ कॉन्स्टेंट ओमेगा, फाइंड एफ। ये चीज आपने मोशनल ईएमएफ में भी की थी, हमने देखा था ना कि अगर लगातार ईएमएफ चाहिए तो रॉड को फोर्स लगा के खींचना पड़ेगा, तो यहां पे भी अगर लगातार ईएमएफ चाहिए तो रॉड को फोर्स लगा के घुमाना पड़ेगा, फोर्स क्या, टॉर्क लगा के। एक बात समझो यार, ये जब रॉड देखो बात सुन लो, जब ये रॉड घूम रहा है तो वो करंट बना रहा है, करंट बन रहा है तो रेजिस्टेंस में जा रहा है, मान लो यहां बल्ब लगा होता तो वो बल्ब जलने लगता, तो यार इस बल्ब में इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ कहां से रही है, रॉड के घूमने से, तो रॉड को घुमा कौन रहा है, कोई टॉर्क होना चाहिए ना, कोई एक्सटर्नल एजेंट होना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी ना कि तुमने आज यहाँ रॉड रोटेट किया और तुम चलेगा चूहे की शॉपिंग करने, और बढ़िया तुम यहाँ चूहे की शॉपिंग कर रहे हो, यहाँ घर में एसी चल रहा है, यहाँ इस घर में लाइट चल रही है, टीवी चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि तुम एक पुश करके चले गए, लगातार फोर्स लगा के मैकेनिकल वर्क का इनपुट देंगे जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में मिलेगा, दिस इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, इससे क्लियर होती है बात, रॉड अपने आप गोल गोल नहीं घूमेगा, ऐसे गोल घुमा के छोड़ोगे ना थोड़ी देर बाद रुक जाएगा, फिर से बोलते हैं ऐसे गोल घुमा के छोड़ोगे ना थोड़ी देर बाद रुक जाएगा, क्योंकि जितनी तुमने एनर्जी उसको दी वो खत्म हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो वैलिड होगा, ऐसे तुम एनर्जी देके चलेगा, काइनेटिक एनर्जी देके चलेगा, तो जितनी एनर्जी दी थी उतनी देर रोटेट करेगा फिर रुक जाएगा। अब दिखाते हैं ये चीज पूरी, ये करंट की वैल्यू है, इसको कहीं लिख लिया जाए करंट की वैल्यू, करंट हमने निकाल लिया, करंट का डायरेक्शन क्या है ऐसे, अच्छा और डायरेक्शन बनाते हैं, इसको भी डाल लें हम, ओके करंट कितना आ रहा, बी ओमेगा ए स्क्वायर, जब यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, ये रॉड यहाँ पे ड्रॉ कर लो सब क्लियर हो जाएगा, ये रहा रॉड, रॉड में करंट ऐसे जा रहा है मेरे ख्याल से, ऐसे जाएगा वी क्रॉस बी इधर है,
ये पॉजिटिव या नेगेटिव, यहां से करंट निकला था यहां आया था, ये करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, कुछ याद आ रहा, इसकी लेंथ इतनी है, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड क्या एक्सपीरियंस करता है, फोर्स, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, आपने पढ़ा था मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के अंदर चैप्टर 4 में, यानी इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, कितनी फोर्स लगेगी, कितनी फोर्स लगेगी, एफ इज इक्वल्स टू आई बी एल साइन थीटा, याद आया, where theta is the angle between magnetic field and length vector, magnetic field देखो अंदर, length देखो ऐसे, इनके बीच में angle 90 degree, ये x axis पे, ये z में, 90 तो sin theta की जगह sin 90 लिख सकते हैं, so I, B और L कितना है, A sin 90, sin 90 की value हो गई 1, so इस I को यहाँ देख लेते हैं, जो current आया था, current कितना आया है, B omega A square upon 2 plus, हाँ, yes. तो फोर्स कितनी है आईबीएल साइन थीटा, थीटा कितना है मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच में 90, साइन 90 लेंथ की जगह ए, सो फोर्स कितनी लगी आईबीए, ये कौन सी फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पे लगती है अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में हो, फोर्स का डायरेक्शन पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल, फिंगर्स को रखो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब को रखो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जिधर पाम जाए, मैंने सिखाया था ना इसे, एक पल का जीना तो है जाना, सिखाया था एक पल का जीना करना पाम रूल से, फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में और थंब को करंट के डायरेक्शन के बाद एक पल का जीना करेंगे, तो हमने देखा कि इस पे फोर्स लगेगी नीचे की तरफ, एफ मैग्नेटिक, कहां लगेगी ये फोर्स, सेंटर ऑफ मास पे मान सकते हो क्योंकि फोर्स लेंथ के साथ लीनियर है, अदरवाइज नहीं मान सकते थे, अदरवाइज अलग अलग एलिमेंट पे देखना पड़ता फोर्स कहां लग रही, क्योंकि फोर्स लेंथ के साथ लीनियर वेरिएबल है ना, तो लीनियर वेरिएबल पे आप सेंटर ऑफ मास वाला कांसेप्ट समझ सकते, वरना यहां फोर्स कुछ और, यहां कुछ और, यहां कुछ और, सबका अलग रिजल्ट होता, ठीक, ये फोर्स लगी, अब इसी के अपोजिट देखो आपने एक फोर्स ऊपर लगा रखी है, किस लिए, ताकि नेट टॉर्क जीरो हो जाए, भाई जितना टॉर्क ये जनरेट करेगा, ये घूम रहा है ना इसे, जितना टॉर्क ये जनरेट करेगा उतना ही टॉर्क ये जनरेट करे, कॉन्स्टेंट ओमेगा के लिए नेट फोर्स जीरो नहीं चाहिए होती, नेट टॉर्क जीरो चाहिए होता है, एंगुलर वेलोसिटी कॉन्स्टेंट चाहिए, ध्यान से सुन लो कॉन्सेप्ट है, ओमेगा आपको कांस्टेंट चाहिए, इसका मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो हो, एक्सेलरेशन जीरो हो, एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो तब होगा जब नेट टॉर्क जीरो हो, आपको टॉर्क जीरो करना था, यानी इसका टॉर्क और इसका टॉर्क बराबर हो, ये डिस्टेंस कितना है a by 2, ये कितना है a by 2, यानी fm into a by 2, टॉर्क ये होता है ना, फोर्स into डिस्टेंस, भाई इसका टॉर्क ऐसा बनेगा, इसका टॉर्क ऐसा बनेगा, is equals to F into A by 2, से A by 2 बढ़ गया, net force F is equals to FM, FM की value IBA, final answer is IBA, but wait, I की value आप निकाल चुके हो, उसको put कर दो, final answer is F is equals to IBA, जितनी magnetic force उतनी ऊपर force लगा दो, अरे force से खत्म हो गई तो torque कैसे बनेगा, वैसे कॉन्सेप्ट ये है, इसलिए बता रहे कि क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट तरह का हो, मान लो ये फोर्स यहां लगा देता तब, ये जो एफ लगाया है ये एफ उठा के यहां लगा देता तब, तब तो तुम्हें टॉर्क बैलेंस करना पड़ता, इसलिए मैंने दिखाया क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, क्लॉकवाइज टॉर्क दोनों को हमने बैलेंस किया, एंगुलर वेलोसिटी को कांस्टेंट करना है तो एंगुलर एक्सेलरेशन को जीरो, खैर दोनों फोर्स बराबर आ गई हैं, एफ की वैल्यू एफ एम के बराबर, आई भी है, आई की वैल्यू वहां से पुट कर देंगे, आई की वैल्यू कितनी है बी ओमेगा स्क्वायर यहाँ रखेंगे, आई की वैल्यू रखो बी ओमेगा ए स्क्वायर अपॉन 2 इनटू आर प्लस आर इनटू बी इनटू ए, सो यू विल गेट एफ इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर ओमेगा ए क्यूब अपॉन 2 इनटू आर प्लस आर, इतनी फोर्स लगाते रहोगे तभी कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूमता रहेगा और तभी करंट बनता रहेगा, अब समझ में आई बात, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये फोर्स लगा के आप लगातार घुमाते रहोगे, नहीं लगाओगे तो क्या होगा, ये वाली फोर्स नेचुरली अपने आप एक फोर्स आ गई, आप घर से यहां पे इसका एंगुलर वेलोसिटी दिए बाहर बढ़े कि हम जा रहे चूहा खरीदने, जैसे ही आपने एंगुलर वेलोसिटी दी वैसे ही इसमें ईएमएफ बना, ईएमएफ से करंट बना, करंट कैरिंग वायर पे फोर्स लगी और ये फोर्स देखो इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगने लगी थी, ये फोर्स एक क्लॉकवाइज टॉर्क बना के इसकी एंगुलर वेलोसिटी को डिक्रीज करते करते जीरो, देखो ना ये फोर्स इधर घुमाना चाह रही, धीमे 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 रॉड रुक जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नेचर में हर जगह मिल जाएगा, तो यहां पे मोशनली ईएमएफ इन कंडक्टिंग रॉड खत्म होता है, इसके जाके अब बुक में अटैक करके न्यूमेरिकल लगाओ तभी फायदा होगा, और मेरे ख्याल से यहां पे मोशनली ईएमएफ का टॉपिक भी खत्म होता है, इसके बाद हम लेंगे
म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।